और ये कहने में मुझे कोई शक नहीं है कि एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, परमिशन दी गई थी, लेकिन उस रूट का पालना नहीं करना, इसको मैं तो ये कहूँगा कि विश्वासघात है। ये नहीं हो सकता है कि किसान आंदोलन के नाम पर तलवारबाजी हो, SHOs पर हमला हो, सिपाहियों पर हमला हो। रोल कभी कोरोना, कभी किसान आंदोलन, कभी दंगे, दिल्ली पुलिस हर वक्त लोगों की सुरक्षा में लगी रहती है। और आजकल पुलिस का वक्त ज्यादा मेहनत में जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन चरम पर है। इसी आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पर डेरा जमा कर बैठे और लोगों से, किसानों के बीच बैठे हुए हर वक्त श्री SS यादव जी, जो कि ज्वाइंट कमिश्नर नॉर्दर्न रेंज के, आज हम उनसे करेंगे हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत। आज पंजाब के सिल में हमारे गेस्ट हैं नॉर्दर्न रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर श्री SS यादव जी। SS यादव जी, हाल ही में जब जो फार्मर साहब का आंदोलन चला था, उसमें 26 जनवरी के दिन जय जवान जय किसान का नारा लगाने से ज्यादा बहुत ज्यादा चर्चा में आया, आज उन्हीं से हम करते हैं बातचीत। सर, ये जो पूरा जो किसानों का मूवमेंट है, आपने एक एक बॉर्डर को आपने लगातार संभाले रखा, तो क्या क्या अनुभव रहा आपके साथ? देखिए, जो भी इंतजाम होता है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर इन्वॉल्व होता है, ख़ास तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर इस तरह के इंतजाम में, और 26 जनवरी जैसे दिन जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस भी मना रहा है और साथ में जो ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो उसकी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी किसी भी अधिकारी के लिए, किसी भी संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि कानून व्यवस्था कायम रहे, शांति भी बनी रहे और एक इफेक्टिव एक्शन भी हो। और उस दृष्टि से, और काफ़ी लंबा यह आंदोलन चल रहा है, तो उस दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। तो सर जी, पूरा जो टैकल किया आप लोगों ने, अगर हम सिर्फ 26 जनवरी की ही बात करें, तो कितना कठिन था अब तक के आपकी सर्विस को अगर आप अनुभव लें अपना? तो देखिए, चैलेंजिंग होता है जब बॉर्डर पर अगर 60-70 हज़ार लोग उस दिन 26 जनवरी के दिन थे, और करीबन 8-10 हज़ार ट्रैक्टर्स थे, हालांकि उनको एक रूट दिया गया था और उस रूट का उन लोगों ने पालन नहीं किया, और ये कहने में मुझे कोई शक नहीं है कि एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, परमिशन दी गई थी, लेकिन उस रूट का पालना नहीं करना, इसको मैं तो ये कहूँगा कि विश्वासघात है जी। और ये विश्वासघात ना केवल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ है, आप गणतंत्र दिवस की अपनी एक गरिमा और मर्यादा होती है, और किसान भी जो है उनको इन सब बातों की संवेदनशीलता का किसान नेताओं को पता था, तो उस हिसाब से जो है काफ़ी चैलेंजिंग था। सर, वैसे देखा हमने कभी भी जैसे कोई आंदोलन होता है या प्रदर्शन होता है, तो दिल्ली पुलिस फटाक से टीयर गैस और पानी छोड़ देती है, लाठीचार्ज, इसमें बड़ा आप लोगों ने संयम से काम लिया है, क्या कारण था? देखिए, इफेक्टिव एक्शन लेने का प्रयास किया जाता है, टीयर गैस और लाठी चार्ज उस दिन भी किया गया था, और सुबह से जब इन्होंने प्रयास करना शुरू किया कि ये चलें, तो इनको रोका भी गया था। और मुझे भी याद है कि मजनू का टीला से भी इनको वापस लाया गया, और करीबन 4 बार इनको वापस लाया गया, सब जो है टीयर गैसिंग और लाठी चार्ज से रोकने के बाद भी, और इनको जो है इफेक्टिव एक्शन करके। और हम लोगों का जो मकसद था कि जो गणतंत्र दिवस की परेड है, वो किसी भी तरह से अच्छी सफलतापूर्वक हर साल की तरह उसका संचालन हो और उसका संयोजन हो, और साइमल्टेनियसली ये जो इन लोगों ने जो प्लान किया था अपनी जो एक रैली का, ट्रैक्टर रैली का, इसको भी किया जाए। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि एक अंडरस्टैंडिंग और एक परमिशन जब दी गई थी, तो जिसकी इन्होंने पालना नहीं की, और विश्वासघात किया। हर एक व्यवस्था का एक प्रोसेस होता है जी, एक ड्यू प्रोसेस सभी नागरिक एक्सेप्ट करते हैं, किसान भी हैं, तो उसमें अगर वायलेशन होती है तो ये फिर रिफ्लेक्ट करता है कि इस तरह के जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस आंदोलन में हैं और वो इस चीज़ की अनुपालना नहीं करे, तो उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है जी। सर, आपकी 26 जनवरी के बाद भी सर 2 घटनाएं हो चुकी हैं पुलिस वालों पे तलवारबाजी की, उसी उन्हीं से जुड़े लोगों पर, हाँ, उसमें क्या एक्शन? इनफैक्ट उसमें जो है 29 को हुआ, उसके बाद अभी 2 दिन पहले हुआ, हमारे 2 SHO उसमें घायल हुए जी, बाकी सिपाही हुए, और उन दोनों में देखा जाए तो काफ़ी 29 को काफ़ी अच्छे ढंग से इफेक्टिव एक्शन हम लोगों को करना पड़ा, टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। ये नहीं हो सकता है कि किसान आंदोलन के नाम पर
तलवारबाजी हो, SHOs पर हमला हो, सिपाहियों पर हमला हो, और इस सब के बावजूद जो एक प्रोफेशनल तरीके से इन स्थितियों का जो हैंडलिंग है, और ना केवल ये दो इंसिडेंट है, इस तरह के कुछ इंसिडेंट रोजाना जो है एक टैक्टफुल तरीका और जो सिचुएशन को मैनेज करने का प्रयास डेली बेसिस पर किया भी जाता है। हम लोग इनके भी संपर्क में रहते हैं, जहाँ तक होता है हम लोग इनको परसुएड करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के तत्व हैं जो कानून व्यवस्था भंग करते हैं, तो दिल्ली पुलिस हमेशा इस तरह के लोगों के खिलाफ इफेक्टिव एक्शन लेती है। सर, आपकी छवि जो है बहुत सख्त पुलिस अधिकारी की मानी जाती है, पूर्व में देखूं अगर आपके जो रहा है अनुभव, तो उस दिन वो जो जय जवान जय किसान वाला वो क्या वाक्य था? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने पहले कहा कि भाई 4 बार या 5 बार हम इन लोगों को वापिस जो है रिपल्स करके लाए, और जब इतनी बड़ी क्राउड होती है और आपको उसको हैंडल करना पड़ता है, और आपका जो पर्पज होता है कि मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ, मिनिमम लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, एंड साइमल्टेनियसली कि साथ के साथ जो जिस तरह की स्थिति है उस परिप्रेक्ष्य में उस हिसाब से आप एक्शन ले। जैसे 4 बार जब वापस लाने के बाद और फिर लगा कि जो है बहुत ज़्यादा जो है ये लोग जो परमिशन है, कंडीशन है, और उन चीज़ों को बार बार वायलेशन कर रहे हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग टीयर गैसिंग भी कर रहे थे, आपने उस वीडियो में देखा भी होगा कि टीयर गैसिंग की भी आवाज़ हो रही है जी। और भीड़ ज़्यादा है तो उनको रोक कर उनसे लाठीचार्ज करने का भी जो है उसी वीडियो के बाद आपने देखा होगा कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, और उसी वीडियो में उस वक्त काफी ऑफिसर्स भी प्रेजेंट थे, क्योंकि सभी पूरी फोर्स को इकट्ठा करना, बार बार ब्रीफिंग करना, क्योंकि सिचुएशन बड़ी तेजी से बदल रही थी, तो आपको जो है एक उस स्थिति के हिसाब से जो भी इफेक्टिव एक्शन अपनी जो सारी चीज को दोबारा से इकट्ठा करके, तो ये उसी तरीके का एक स्टेप है। यू हैव टू टेक अ डिसीजन एज पर द सिचुएशन एंड यू हैव टू टेक इफेक्टिव एक्शन, एंड ये मुझे लगता है कि 12:30 बजे के आसपास की या 1 बजे के आसपास की बात होगी। तो ये घटना जो है करीबन 3-4 बजे तक, जब तक हम मजनू कटीला से इन लोगों को वापस टर्न नहीं करवा पाए, तो अदरवाइज 8-10 हजार ट्रैक्टर्स थे सर। लेकिन जैसे कहते हैं उस दिन लाठीचार्ज वगैरह उतना नहीं किया गया, तो कुछ पुलिसकर्मियों का मोरल थोड़ा डाउन था, तो उसको उत्साह को बढ़ाने के लिए आप लोग कैसे करें? नहीं देखिए, लाठी चार्ज भी किया गया, टीयर गैसिंग भी करी गई, और कितनी आजादपुर तक है, दूसरी साइड बुराड़ी तक है, और जो है रही बात मोराल की, मोराल देखिए दिल्ली पुलिस का हमेशा रहा है, अगर मोराल जो है आप 29 को इफेक्टिव एक्शन 26 के बाद हम लोगों ने जो नवंबर में इनको हरियाणा बॉर्डर पर रोका, उसके बाद अभी 2 दिन पहले भी, तो हमेशा जो मोराल का जो कंसेप्ट है, मोराल का कंसेप्ट ये है कि सिचुएशन के हिसाब से आप इफेक्टिव एक्शन ले पाए, और उसमें आप डिसाइसिव एक्शन ले पाए, ये नहीं हो कि आपकी इनडिसाइसिवनेस हो। और उस मामले में ना केवल अधिकारी बल्कि दिल्ली पुलिस का हर एक सिपाही, जैसे 29 का वाकया मैं बताता हूँ कि जो टीयर गैसिंग करी है, जो 4 कॉन्स्टेबल्स हैं, क्योंकि उनको लगा कि स्थिति जो है ये वारंट करती है कि टीयर गैस होनी चाहिए, और उनकी ब्रीफिंग थी, और ब्रीफिंग के हिसाब से वो इफेक्टिव एक्शन ले पाए। सेम वे अभी 2 दिन पहले जब SHO बादली पर अटैक हुआ, तो एक तलवार लेकर एक व्यक्ति जब निकला, तो उसने जब 2 बैरिकेड क्रॉस करने के बाद जब चेकिंग और नाके लगाए गए, तो अगर एक लेवल इफेक्टिव नहीं होता है तो दूसरा उस हिसाब से उसको रेस्पॉन्ड करता है, और रेस्पॉन्स इस तरह का होना चाहिए कि देर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एंड साइमल्टेनियसली यू आर एबल टू मेंटेन द रूल ऑफ लॉ। सर, आपको जो है कुछ नए स्टेप्स के लिए भी जाना जाता है, जैसे मुझे नॉर्थ ईस्ट का आपका अनुभव है कि आपने SHOs को पैदल गश्त करवाई, तो यहाँ पे सर कुछ नया कुछ किया आपने अपने आने के बाद? आप समय निकला, दिल्ली पुलिस का जो हमेशा लक्ष्य रहता है कि पुलिसिंग रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और मैं ये कहूंगा जैसे निर्बल, निर्भय, निर्दोष, ये जो समाज के लोग हैं इनके बेफिक्र होने चाहिए, ये नहीं हो कि पुलिस स्टेशन में जाने से हिचकिचाए या उनको लगे कि रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और साइमल्टेनियसली करप्शन फ्री होना चाहिए। देखिए आज के टाइम में जो है, चाहे वो कांस्टेबल हो या IPS ऑफिसर हो, क्वालिफिकेशन आप देखेंगे, दे आर वेल एजुकेटेड, दे नो कि हाउ वी परफॉर्म,
हाउ वी एक्ट, हाउ वी बिहेव, एंड साइमल्टेनियसली वेदर वी एक्ट इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर और नॉट, हमारी इंटीग्रिटी है या नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं उस माहौल में, मुझे लगता है कि हर एक पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मी को व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आप जब सड़क पर एक नागरिक की तरह उतरे हैं और फिर आपको फील हो कि भाई मैं कैसा व्यवहार एक्सपेक्ट करता हूं किसी भी सरकारी एजेंसी से, उस भावना के साथ हमको जो है अपने नागरिकों के साथ व्यवहार करना चाहिए और उनको सेवा प्रदान करनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस उस मामले में सजग और चुस्त तरीके से काम करती भी है। सर, आप लोग काफी प्रयास कर रहे हैं, पहले से भी हुए, लेकिन आज भी सर जब एक आम आदमी थाने जाता है ना तो सोचता है पहले किसी से फोन करा लो, ये टेंडेंसी कब बदलेगी लगता है आपको कभी? देखिए, पुलिस वाले भी समाज के अंग हैं और जो है व्यवहार वो कहीं ना कहीं समाज को भी परिलक्षित करता है। और बिल्कुल 1947 तक से लेकर अब तक की जो हमारी जो यात्रा है, दिल्ली पुलिस की जो यात्रा है, उसमें देखेंगे कि कितने तकनीकी सुधार, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी हुए हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। और दूसरी बात, मैं हमेशा जो है लोगों को कहता हूँ कि देखिए, आपका एक हर एक व्यक्ति का अपना निर्णय होता है कि आपका व्यवहार कैसा होगा, आपकी इंटीग्रिटी कैसी होगी। और अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें, जो हमारी भारतीयता है, जो हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है, हिंदू धर्म का मेरा मतलब जो भारतीयता की परंपरा है, अगर उसमें अगर आप देखें तो कर्म आता है। अगर आप गलत काम करोगे, किसी के साथ व्यवहार सही नहीं रखोगे, भ्रष्टाचार करोगे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें वापिस आती है, कहीं ना कहीं आपको जवाब, कानून को तो जवाब देना है, अपनी आत्मा को भी जवाब देना है। वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं कि जज होना चाहिए, कि आपको अपनी व्यक्तिगत जो है कार्य को सुधारने का भी और किसी संगठन के सेवा भाव को सुधारने का। तो थाने में अगर नागरिक जाता है तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपके पास कब आएगा नागरिक, जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वो डिस्ट्रेस में है, उसको लगता है कि भाई पुलिस उसको न्याय देगी, उस भावना से चाहे वो कांस्टेबल हो या आईपीएस ऑफिसर हो, उस तरह से काम करेंगे तो अपने आप जो है पब्लिक परसेप्शन भी बदलेगी। आपकी बात सही है कि कोई भी व्यक्ति अगर थाने में घुसे तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, मेरे साथ यहाँ पर न्याय होगा और मेरे साथ टाल मटोल नहीं होनी चाहिए। और देर आर चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, जो जब मैं डीसीपी था, तो ऑब्वियसली उन चेक्स एंड बैलेंसेस कि नागरिक को यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो वहां पर जाकर या किसी और जगह सुनवाई होगी। तो चेक्स एंड बैलेंसेस दिल्ली पुलिस में बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। अभी सर, जैसे दिल्ली पुलिस वीक चल रहा है तो इसके पीछे क्या थ्योरी होती है और क्या कॉन्सेप्ट? देखिए, दिल्ली पुलिस रेजिंग डे के दौरान में जो हमारा दिल्ली पुलिस सप्ताह हम लोग मनाते हैं, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम जो हमारे दिल्ली के निवासी हैं, जो दिल्ली में लोग आते हैं, उनके अपनी जो सेवा का जो हमारा कंसेप्ट है, शांति का, न्याय का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को, उस प्रत्यय को हम उन आम नागरिक के द्वार पर जाकर, उसके पास जाकर, सीनियर सिटीजन्स हैं, युवा वर्ग हैं और जो है महिलाएं हैं, ग्रामीण इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, RWAs हैं, शिकायत जिन्होंने करी हुई है उनके बारे में उनकी क्या इंक्वायरी है। कोशिश हम ये करते हैं कि हम जितनी हम नागरिक सेवाएं देते हैं दिल्ली के नागरिकों को, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी और उस इंटरेक्शन और उस संवाद में जो निकलता है उसमें ये प्रयास किया जाता है कि बाद में उसको फर्दर जो है हम आगे क्या सुधार हमारी कार्य प्रणाली में कर सकते हैं, हमारे जो विभिन्न जो संस्थाएं हैं दिल्ली पुलिस की, उसमें हम किस तरह से अपने व्यवहार में उनको आत्मसात कर सकते हैं। अभी सर एक रथ भी घुमा रहे हैं आप लोग, वो क्या है? देखिए, उसका वही कंसेप्ट है कि भाई आप हर फार फ्लंग एरियाज में जाएं, बवाना में जाएं, कंजावला में जाएं, मंडावली में जाएं, सीलमपुर चले जाएं, तो ऐसे ऐसे एरियाज में जहां पर एक ही जो माध्यम के अंतर्गत आपको हर तरह की जो दिल्ली पुलिस की सेवाएं हैं, दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली है, वो आखिरी समाज के आखिरी तबके तक उसके बारे में जानकारी उनके द्वार तक पहुंचाई जाए। सर, एक चीज ये भी देखने वाला है, जैसे जो आजकल का जो युवा है जो पढ़ाई कर रहा है उस पर एक आइकॉन रहता है कि मुझे यूपीएससी जाना है, आईएएस बनना है, यूपीएस आईपीएस बनना है, एफएस बनना है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? जो आजकल का जो यूथ है कैसे पढ़े या कैसे आप
थोड़ा अपना अनुभव साझा करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो चीज आप करें अच्छे ढंग से करें, ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, जिस भी चीज में, अगर आप पांचवी कक्षा में पढ़ते हैं, दसवीं में पढ़ते हैं, बारहवीं में पढ़ते हैं या बीए कर रहे हैं, और जब आपको क्लैरिटी है कि आप क्या करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, डॉक्टर या पब्लिक सर्विसेज में करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से जो है, जो बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से कर्म कीजिए, आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। जैसे सर अगर अभी इस पे आ जाएं, फिर क्राइम रेट्स पे आते हैं, फिर घूम के, तो आपके आने के बाद क्या स्थिति हुई है? देखिए, चैलेंजेस हमेशा दिल्ली पुलिस के पास रहता है। पुलिसिंग ऐसा है कि पुलिसिंग में हर दिन आपने अच्छा कर दिया तो ये नहीं है कि अगले दिन आपको चैलेंज नहीं होगा। प्रयास यही होना चाहिए जो आपने पूछा कि भाई जनता को लगे कि थाने में सुनवाई होगी, जनता को लगे कि पुलिस उनकी सेवा के लिए है, और ऑब्वियसली अपराध जो करने वाले हैं उन लोगों में भय होना चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हों, स्ट्रीट क्राइम्स करते हों, लैंड ग्रैबिंग करते हों, लैंड डिस्प्यूट्स में पड़ते हों, वो तो इस तरह के लोगों में भय होना चाहिए कि भाई आप जो कार्य है, थाना जो है, पुलिस स्टेशन है, ऑफिसर्स हैं, जो बीट ऑफिसर्स हैं, ये जो है न्याय के लिए खड़े होंगे। सर, जैसे आपके जो एरिया में कुछ गांव भी हैं, तो गांवों की पुलिसिंग में और उसमें कुछ फर्क है? गांवों की पुलिसिंग, देखिए, गांवों की एक बहुत ही क्लोज्ड इंटीग्रल सोसाइटी होती है, लोग एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं, मिलते हैं, पता होता है, तो ऑब्वियसली जो गांवों की जो पुलिसिंग है उसमें एक जो बीट ऑफिसर का जो संबंध होता है वो ज्यादा क्लोज होता है, जानकारी अच्छे ढंग से मिलती है। ऑब्वियसली रात को गांव के लोगों के साथ मिलकर टीकरी पैरा देना और उस तरह की एक्टिविटीज करना, तो पुलिसिंग में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन ध्येय जो है वो तो समान ही होता है। सर, एरिया बहुत बड़ा नहीं है वहाँ पे? एक एक जो थाने का एरिया इतने दूर दूर है, बिल्कुल, उस हिसाब से स्टाफ कम नहीं लगता? देखिए, स्टाफ काफी हद तक एडिक्वेट भी है। अब तो टेक्नोलॉजी भी आ गई है और आपको ये जरूरी नहीं होता है कि हर चीज को आप फिजिकली जाकर कवर करें, आपका अपना एक सूचना इकट्ठा करने का तंत्र है, फिर अपराध को रोकने की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, उसमें आप विभिन्न तरीके से रेड्स करते हैं, इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं, फिर अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, उन पर सर्वेलेंस रखते हैं, फिर इसके साथ साथ ये है कि आपकी मोबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, मोटरसाइकिल थानों में दी गई हैं, हाईवे पेट्रोल्स हैं, पीसीआर की गाड़ियां हैं, प्रखर हैं, तो इन सभी को मिला के जो एक कहा जाए कि जो कंपोजिट पुलिसिंग है उससे आप जो है एरिया को डोमिनेट अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिसमैन भी होते हैं उस एरिया में, मोबाइल पेट्रोलिंग भी होती है, मोटरसाइकिल्स होती हैं, तो उससे सर लगता है कि सारा कवर हो जाता है, करीब करीब कवर हो जाता है, बिल्कुल। आप जब काम करने की नियत रखते हैं तो अच्छे ढंग से काम होता है। मेरा ये मानना है कि आपकी नियत पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। सर, आप जो दिल्ली पुलिस का जो शुरू से मैंने देखा है कि बच्चे, महिला और बुजुर्ग, इन पे विशेष ध्यान रहता है, तो ऐसी कोई योजना जो आपने चलाई हो या किसी को और इम्प्लीमेंट तरीके से कराया बुजुर्गों? देखिए, योजनाएं अगर आप याद करेंगे तो योजना जैसे यूनिवर्सिटीज एरियाज में है, मुखर्जी नगर में है, वहां पर आपको महिलाओं का जो बच्चियां पढ़ने आती हैं उनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ जो विमेन बीट ऑफिसर्स, उसके बारे में ज़्यादा एम्फेसिस रहता है। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स हैं, तो सीनियर सिटीजन्स को किस तरह से निरंतर उनके सतत संपर्क में रहा जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको जानने के लिए। फिर मेरे यहाँ जो है, जो मेन हाईवेज हैं, मेन रोड्स हैं, जहाँ पर काफ़ी जो है दूसरे राज्य से अंतर्राज्यीय जो लोग आते रहते हैं उनके लिए खासतौर पर रात को जो है विशेष पेट्रोलिंग, हाईवे पेट्रोलिंग का एक एम्फेसिस रहता है। इसके अलावा जो आपने बात कही कि संख्या पर्याप्त है या नहीं, उसको आप जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग का इस तरह से जो कंसेप्ट है उसको और ज़्यादा, ये नहीं है कि ये कोई नई चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पिछले कई सालों से चली आ रही हैं, बस आप ये है कि आप उसमें उनको एक अच्छे प्रभावी ढंग से उनको आप प्रयास करते हैं कि हर थाने में, हर एक जिले में वो प्रभावी ढंग से लागू हो जाए। तो सर, अब दिल्ली पुलिस की तरफ से सर दिल्ली के लोगों को क्या भरोसा देना चाहते हैं?
देखिए हमारा प्रयास जैसे पहले भी रहा है, हम यही प्रयास करते हैं कि हम जो दिल्ली के लोगों को जो पुलिसिंग है वो एक अच्छी ईमानदार जिम्मेदार पुलिसिंग की सेवा हम लोग दें, और जो दिल्ली के नागरिक हैं उनको भी फक्र हो और वो बेफिक्र ढंग से अगर उनकी कोई समस्या है वो जो है दिल्ली पुलिस के पास आ सकते हैं। तो सर जनता से मिलने का कोई टाइम यहाँ पे आपने रखा है? मैं जब भी रहता हूँ जब भी अवेलेबल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सेल नंबर सभी को पता होता है तो लोग कॉल कर लेते हैं, और अगर मैं ऑफिस में हूँ तो कभी भी आ सकते हैं। मेल वगैरह भी है? मेल वगैरह भी है, सेल फोन भी है, ट्विटर पर भी है। बस बहुत धन्यवाद।